Now we will talk about measurement of length. In the measurement of length, any small or big, small or large, we must have the two kinds of methods. Number one, direct method. Direct method. And number two is indirect method. So first we talk about the direct method. In the direct method, different instruments can be used to measure normal, or we can say moderate lengths. Normal lengths, जो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं normal lengths. For example, we just use to measure a table length by meter scale. Everyone, you have in your pencil box the 6 inches scale or 15 inches scale, isn't it? ग्राउंड में जब आप लोग जाते हैं किसी इवेंट के लिए, तो आपके पीटी सर जो होते हैं उनके पास क्या रहता है, मेजरिंग टेप रहता है जो बहुत बड़ी बड़ी लेंथ नाप लेता है. बट दैट इज ऑल्सो अंडर द कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्ट मैथड, क्योंकि वो जो लेंथ प्ले ग्राउंड में हम लोग मेजर करते हैं वो हो सकता है 30 फीट हो, 100 फीट हो, मगर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इज़न्ट इट? सो मीटर स्केल वी कैन यूज. नंबर टू, अगर हमें बहुत छोटी लेंथ को मेजर करना है, आपने देखा होगा इंजीनियरिंग में बहुत छोटी छोटी डायमीटर या कुछ और लेंथ हमें मेजर करनी होती है, तो इंजीनियर्स के पास वर्नियर कैलिपर्स एक डिवाइस होती है, वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट होता है. ये आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में भी है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल है, 3-4 प्रैक्टिकल्स. उससे भी छोटी अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर, दोनों में बहुत जरा सा ही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों सेम वर्क करते हैं. अब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ए बी सी डी, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर, इनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है, दैट इज एल सी, लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है of measuring instrument. The minimum length which can be measured by an instrument is known as its least count. For example, if we just talk about the meter scale हमारी कितनी छोटी से छोटी length को measure कर सकता है accurately? 1 mm. देखा है आपने 6 inches का जो scale आपके पास होता है उसके ऊपर सबसे छोटा scale जो है वो millimeter का है, उसके बाद centimeter का है, और दूसरी साइड में अगर हम जाएंगे स्केल के दूसरी तरफ पैरेलल लाइन दूसरी जो है वहां इंचेस होंगे, इजंट इट? मीटर स्केल चूंकि इसका नाम है तो मीटर में भी हमने यूनिट ली हुई है, तो इसकी मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से? 1 mm. इसको हम सेंटीमीटर में अगर देखें तो 10⁻¹ cm. अगर हम इसे मीटर में देखें तो 10⁻³ m. ये सारे कन्वर्जन आपको छोटी क्लासेस में बताए गए हैं मैथ्स में, isn't it? तो ये जो मीटर स्केल की मिनिमम मेजरिंग लेंथ है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. तो ये 10⁻³ m या 10⁻¹ cm का मीनिंग क्या है मीटर स्केल के लिए? इट मींस अ मीटर स्केल कैन मेजर लेंथ अप टू एक्यूरेसी ऑफ 1/1000 पार्ट ऑफ अ मीटर, ऑफ अ मीटर, एक मीटर के 1/1000 पार्ट तक ये एक्यूरेटली मेजरमेंट ऑफ द लेंथ कर सकता है. अगर हम छोटी लेंथ की बात करें तो अभी मैंने बताया वर्नियर कैलिपर्स, पियर ए वर्नियर साइंटिस्ट हुए, उनके नाम के ऊपर ये डिवाइस है, उन्होंने बनाई ये डिवाइस वर्नियर कैलिपर्स. इसके बारे में ज़्यादा नेक्स्ट ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको इसके बारे में बताएंगे, जिससे प्रैक्टिकल में आपके काम आए. अभी तो सिर्फ हम यह मेजरमेंट ऑफ लेंथ ले रहे हैं, सिंपल टॉपिक. इसकी लीस्ट काउंट कितनी है? यहाँ थी लीस्ट काउंट 10⁻¹ cm, ये 10⁻² cm. इतनी छोटी लेंथ को ये मेजर कर सकता है, 0.01 cm. क्लियर? या मीटर में अगर हम बात करें तो 10⁻⁴ m. तो हम क्या कह सकते हैं? इट मींस
वर्नियर कैलिपर्स मीटर स्केल की जगह क्या आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स कैन मेजर लेंथ अप टू एक्यूरेसी 1/10,000 पार्ट्स ऑफ अ मीटर। थर्ड वन स्क्रू गेज, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर प्रैक्टिकल। इट्स लीस्ट काउंट एज वेल एज स्फेरोमीटर लीस्ट काउंट इज 10^-3 cm, उससे भी छोटी, वर्नियर कैलिपर से भी छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है। मीटर में 10^-5 m, अगेन वी कैन टॉक, इट मीन्स अ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज कैन मेजर लेंथ अप टू एक्यूरेसी ऑफ 1/10^1 lakh पार्ट ऑफ अ मीटर, इजंट इट। तो लीस्ट काउंट समझ में आया, लीस्ट काउंट क्या है, कोई भी मिनिमम लेंथ जो किसी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर की जा सकती है वो उसकी लीस्ट काउंट है। क्लियर। इस 10^-5 m से छोटी यानी कि माइक्रोन में, राइट, या इनसे बड़ी, काफी बड़ी लेंथ अगर हमें मेजर करनी है तो हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, उसके लिए फिर हमें इनडायरेक्ट मेथड्स पे जाना है। ये तो डायरेक्ट मेथड है, इंस्ट्रूमेंट लिया, हमें टेबल की लेंथ मेजर करनी है, हमने मेजरिंग टेप रखा 0 से 1 से लेके किसी भी क्वांटिटी तक, हमने नाप के बता दिया कि 1 meter लॉन्ग टेबल है या 50 inches है या 100 cm है लेंथ टेबल की। तो इनडायरेक्ट मेथड्स टू मेजर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल लेंथ्स और डिस्टेंसेस विच कैनॉट बी मेजर्ड बाई दीज इंस्ट्रूमेंट्स, जिनकी हम बात कर चुके हैं, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, बाय दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। जो बड़ी, बहुत बड़ी लेंथ, जैसे किसी टॉवर की हाइट निकालनी है, हमारे घर के सामने एक बिल्डिंग है जिसमें 10 floors हैं या 15 floors हैं, तो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग हो गई। उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, कितनी हाइट है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालेंगे। उसका एक पर्टिकुलर मेथड है, दिस मेथड यू हैव स्टडीड इन 10th class मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, याद आ रहा है। सेकेंडली मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ मून है, इसको भी हम इनडायरेक्ट मेथड से ही निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी डिस्टेंसेज हैं। इसके बाद पैरालेक्स मेथड आता है, अभी 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद हम उसकी भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ द टॉवर, इसकी अगर हम बात करें तो अगर हम एक टॉवर ले लें जिसकी हाइट स्मॉल एच हो और कोई एक एंगल हो थीटा या अल्फा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर हो किसी एक पॉइंट पी से जो सरफेस पे है, ग्राउंड पे है, और ग्राउंड से उसकी दूरी भी कुछ और है, तो हम देखते हैं फर्स्ट मेथड, हटा दूं इसको, ड्रॉप कर दूं, यहां डाल देता हूं हेडिंग इनडायरेक्ट मेथड्स। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में, मेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ अ टॉवर। वी हैव टेकन वन टॉवर ऑफ हाइट, लेट इट बी एच, एंड इट्स कंडीशन इज ए बी, ए बी इज अ टॉवर। हम यहां कहीं हैं, सपोज सी पॉइंट इज देयर, then angle of elevation will be here like alpha, alpha angle, this is tower and
on the ground we have clear we have taken a tower of height h from ground observation point c हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम इस टॉवर की हाइट एक पॉइंट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना आया अल्फा, और टॉवर के फुट से यानी बी पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है एल। इस एल को हम मीटर स्केल के थ्रू निकाल लेंगे। सो लेट ए बी इट इज इक्वल टू एच बी हाइट ऑफ टॉवर द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ टॉवर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी बी सी इक्वल टू एल एंड एल्फा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। सो सिंपली बाय टेकिंग द मैथड एच ओवर एल निकालना है, तो एच ओवर एल राइट ट्राइंगल से आपको क्या दिखाई दे रहा है टेन एल्फा, सो एच इक्वल्स टू एल टेन एल्फा। क्लियर है या नहीं? हाइट निकाल लेंगे, इज दैट क्लियर? नाउ द सेकेंड मैथड, सेकेंड मैथड क्या है टू मेजर द टू मेजर द डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून का डायमीटर हमें निकालना है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टू मेजर द डायमीटर ऑफ द मून, दिस इज अवर अर्थ स्फेरिकल अर्थ, ऑन द हॉरिजन ऑफ द अर्थ एट पॉइंट पी अवर आई इज सेट टेलीस्कोपिक आई and we are seeing the moon, this is moon, two diametrically opposite ends A and B of the moon subtends an angle theta on the eye on the earth, so the diameter of the moon is letting condition be AB equals to diameter of the moon that is taken as r small d and the distance of moon from earth let it taken be r which is known value, so theta we can find out arc upon radius, arc is d and radius is r, therefore we must find out diameter d, so d equals to theta into r, r is the distance of moon from earth which is a known value, so we can easily calculate diameter of earth by finding the angle theta on the eye, is that clear? So this is second method.